रहे हो ये जो प्रोटेस्ट है, फिशरीज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने यहाँ पे आज एक एहतजाज सीट रखा है। असल मसला इनका ये है कि इनके बहुत सारे मसाइल जो सरकार हल नहीं करती है, मसाइल हल तो हल नहीं होते हैं, लेकिन अगले और ज़्यादा मसाइल इनके बढ़ाए जा रहे हैं। आज का एहतजाज इस बात का है कि जो हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन होती थी वो ऐसी होती थी कि 75% प्रमोशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से की जाती थी और 25% उनको SSRB को भेजा जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक प्रपोजल डायरेक्शन ऑफिस से गया है सरकार के लिए कि ये जो 50-50 है, 50% आप ऑफिस डिपार्टमेंट से करिए और डायरेक्ट रिक्रूटिंग करिए। अगर ये मसला ऐसा होता है तो ये जो फिशरीज़ के मुलाजमीन हैं इनके लिए आने वाले वक्त में इनके लिए मुसीबत साबित होगा, इनकी कोई प्रमोशन नहीं होगी, जो जहाँ पर है वो वही रहेगा। उसके ख़िलाफ़ आज का ये एहतजाज है। इस EJCC जो इनके सपोर्ट में खड़ी है, फिशरीज़ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सपोर्ट में खड़ी है, हम सरकार तक ये बात वाजिया कराना चाहते हैं कि ये जो ड्राई कुलन्स लॉ है ये बंद करिए। हर डिपार्टमेंट पे 50-50 हो रहा है कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटिंग और 50% डिपार्टमेंट का प्रमोशन हो रही है। आज के एहतजाज से हम यही बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो ये जो शातराना चाले मुलाजमीन के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं उसको बंद किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में महकमा फिशरीज़ जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके ये सारे महकमे को बंद कर देंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी उन अफसरान पे आई होगी जो ये शातराना चाले चल रही है। इसीलिए आज का ये प्रोटेस्ट यहाँ पे फिशरीज़ एम्प्लॉयज़ और फिशरीज़ मुलाजमीन कर रहे हैं। आज इन्होंने सिर्फ अपने जो इनके अहदेदार हैं, तंजीम के लीडरान जो है फिशरीज़ के, वो यहाँ पर है, लेकिन अगर इस मसले को रोका नहीं गया तो ये एक इनकलाब बरपा लाएँगे। इसकी सारी जिम्मेदारी उन फिशरीज़ अफसरान पर आयद होगी जो ये साजिशें रचा रहे हैं।